नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप कुछ नया करना और सीखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर और पूर्व उत्तर दिशा का आर्थिक संपन्नता से सीधा संबंध होता है। इन दोनों दिशाओं में वास्तु दोष होने से रुपये पैसे से जुड़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। घर की इन दोनों दिशाओं का गलत प्रयोग आपको आर्थिक तंगी के रास्ते पर ले जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं कि आर्थिक संपन्नता के लिए इन दोनों दिशाओं का सही उपयोग कैसे किया जाए। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, पहला है धन और समृद्धि के देवता कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी हैं। इस वजह से घर की तिजोरी हमेशा इसी स्थान पर आपको रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा है घर की इसी दिशा यानी उत्तर में नीले रंग का एक छोटा सा पिरामिड रखें। इस दिशा में नीले रंग का यदि आप पिरामिड रखते हैं तो धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। संभव हो सके तो इस दिशा में दीवारों का रंग भी नीला ही करवाएं। चौथा है तीसरा चीज, इसके अलावा उत्तर दिशा में हमेशा कांच का बड़ा सा बाउल रखना चाहिए। उसमें चांदी के सिक्के डालकर रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अनुकंपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसके अलावा चौथी बात है घर की पूर्व उत्तर दिशा में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य रखें। दिन में एक बार यहाँ दीपक जरूर जलाएं। इस स्थान पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। आपके घर में कभी भी आप देखेंगे कि रुपए की पैसे की तंगी कभी नहीं होगी। आप इस उपाय को जरूर करके देखें। पाँचवा है घर की उत्तर दिशा में एक हो सके तो छोटा सा आंवले का पेड़ या फिर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इससे घर में धन आता है, घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। छठी बात है घर की उत्तर दिशा में पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए। उत्तर दिशा में पानी की टंकी में शंख, चांदी का सिक्का या चांदी का कछुआ रखने से भी लाभ होता है। इसके अलावा सजावट का सामान भी इसी दिशा में रखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसी दिशाएँ थी, यदि आप इस दिशा में इन चीज़ों को रखते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी रुपए पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, आर्थिक संकट नहीं आएगा। आप इस वास्तु उपाय को एक बार करके जरूर देखें। हमें उम्मीद है कि आपके सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि वास्तु यदि घर का सही नहीं होता तो घर में लाख कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं टिकता। लाख मेहनत करने के बाद भी घर में धन की कमी बनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई वास्तु का दोष होता है। इसलिए हम छोटे छोटे उपाय करके अपने वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ वास्तु दोष आज हमने आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।